अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग के। आज हम बना रहे हैं आलू मेथी। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू को काट लिया है, आधा कप मैंने तेल लिया है, 1 अदद टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, 1 अदद बड़े साइज़ के प्याज को भी मैंने यहाँ चॉप कर लिया है, 1.5 चाय का चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच हल्दी ली है, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन लिया है, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक लिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें चॉप गार्लिक ऐड करेंगे, इसे हल्का सा भूनेंगे और चॉप अदरक ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे, इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और इसे ढककर हल्की आंच पर टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर भुन जाएंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक ऐड कर देंगे और इन तमाम मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। जब तमाम मसाले अच्छे से भुन जाएंगे हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे और आलू को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ भूनेंगे। जैसे ही आलू भुन जाएंगे हम इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे ढककर आलू गल जाने तक पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आलू मेथी हमारे तैयार है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।